पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समन बाबरी है। मैं कंसल्टेंट ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, करंटली वर्किंग विद द गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेटली प्रैक्टिस करती हूँ विजन एक्स में ऑन सैटरडेज एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर वीडियो कंसल्टेशंस। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वीक आई साइट। आपके इर्द गिर्द ऑलमोस्ट लाइक एक आध बच्चा तो ज़रूर हर फैमिली में होता है जिसकी आई साइट वीक होती है। सो इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक एंड इट नीड्स द राइट फोकस टू डिस्कस। अच्छा, नाउ व्हाट कैन बी द कॉजेज ऑफ वीक आई साइट? वीक आई साइट होने के बहुत से वजूहत हो सकते हैं। पहले तो हमने ये देखना है कि बच्चे में वीक आई साइट है या बड़े में हो रही है। मोस्टली बच्चों में जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो होती है नियर साइटेडनेस, मतलब बच्चे नज़दीक देख सकते हैं, दूर देखने में उनको मसला हो रहा होता है। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं, एक ये कि उनकी आँख की जो साख्त है, आई शेप, वो ओवल ज़्यादा है, या फिर उनके कॉर्निया का कर्वेचर का कोई इशू है। ये दोनों चीज़ें एवेल्यूएट करनी है। तीसरे एक और चीज़ जो हमने देखना होता है वो होता है मसल्स। अगर मसल्स स्पैज़म में हैं या मसल्स वीक हैं तो भी आई साइट के इश्यूज आ सकते हैं। वो वाली आई साइट नॉर्मली स्क्विंट के साथ प्रेजेंट करती है, उसको आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है क्योंकि बच्चे की आँख अंदर या बाहर जा रही होती है तो ईजिली पिक हो जाती है। मसला आता है दूसरी वाली आई साइट में, जिसमें बच्चों का कोई विजिबल डिफेक्ट कोई नहीं होता, मगर वो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं नज़दीक देखने में। अगर आप नोटिस करें तो वो आँख अपनी चुनी चुनी करके देखते हैं, या फिर बहुत पास से जाके कोई चीज़ देख रहे होते हैं, या फिर उल्टा मुल्टा लिख रहे होते हैं क्योंकि उनको नज़र नहीं आ रहा होता, फिर वो ऐसे ही अपनी तरफ से तुक्के मार रहे होते हैं। इन सबको हमने इवेल्यूएट करना होता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे बच्चे को स्पॉट करें अपनी फैमिली में, या तो उनको प्लीज़ आई साइट चेक करवाएं, और आई साइट चेक करवाने के बाद हम फिर डिसाइड करते हैं कि इनके ये नॉर्मल वाला मायोपिया है, जिसमें वो जाके अराउंड 20-25 जब आई डेवलपमेंट रुकती है तो स्टेबलाइज हो जाता है, या वो पैथोलॉजिकल मायोपिया है, इन विच केस इट माइट नॉट स्टॉप एंड वो लाइफ लॉन्ग उसकी आई साइट वीक होती रहती है। दोनों की ट्रीटमेंट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, और अगर स्क्विंट है तो स्क्विंट की तरफ स्क्विंट करेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। अब जो इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शन मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा ग्लासेस यूज़ होती हैं, बिकॉज बच्चों में ग्लासेस सबसे ज़्यादा सेफ़ है। अब ग्लासेस भी दो टाइप की होती हैं, यू कैन यूज़ प्रॉपर ग्लास और यू कैन यूज़ अ प्लास्टिक लेंस। प्लास्टिक लेंस का फ़ायदा ये है कि अनब्रेकेबल है, मगर स्क्रैच ज़्यादा करता है। ऑन द अदर हैंड जो हम ग्लास यूज़ करते हैं तो ग्लास लेंस जो है वो विजन बहुत अच्छा देते हैं क्योंकि उसमें स्क्रैचेस कम आते हैं, मगर टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अब जैसे ही हम आते हैं टीन एज में तो बच्चों को ग्लासेस लगाने से थोड़ी सी उलझन हो रही होती है, तब हम लेंस रिकमेंड करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज। कॉन्टैक्ट लेंसेज का फ़ायदा ये है कि ए, कॉस्मेटिकली अपीलिंग, बी, अगर आपका कॉर्नियल कर्वेचर का इशू है तो कॉन्टैक्ट लेंस ज़्यादा बेहतर कवर करता है, मगर कॉन्टैक्ट लेंस के अपने फ़ायदे और नुकसानात हैं। कॉन्टैक्ट लेंस का केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कॉन्टैक्ट लेंस को अप्लाई करने का तरीका बहुत बहुत अपने इसको केयरफुली करना होता है। स्पेशली लॉन्ग नेल्स नहीं होने चाहिए बिकॉज इट कैन स्क्रैच द लेंस। एंड वंस आपका आई साइट स्टेबलाइज हो जाती है, नंबर आपका रुक गया बढ़ना, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरीज लाइक लेसिक, PRK, जिससे आप ग्लासेस से कम्प्लीटली छुटकारा पा सकते हैं। तो आजकल एज कंप्यूटर यूज़, स्क्रीन टाइम हैज़ इंक्रीज्ड, सो नियर साइटेडनेस या वीक आई साइट है ऑन द राइज है। इसको जितनी जल्दी आइडेंटिफाई करेंगे और जितनी जल्दी ग्लासेस का यूज़ करेंगे उतना जल्दी आपके लिए और आपके बच्चों के लिए ईजी है, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना, द ईवल इन द बैड, जितनी जल्दी आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे उतनी जल्दी आप उसका इलाज स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी रिवर्ट होने के या जल्दी रुकने के चांसेस हैं। जितना आप डिले करते जाएंगे नंबर बढ़ता जाएगा और मोटी से मोटी हदें लगानी पड़ेगी। आई होप आपको मेरी बातें सारी समझ आ रही होंगी, और अगर आपको मज़ीद कोई क्लैरिफिकेशंस या क्वेश्चंस हैं तो यू कैन मीट मी इन पर्सन एट माई क्लिनिक, और यू कैन कॉन्टैक्ट ओला डॉक एंड दे कैन रेफर ऑल योर क्वेश्चंस टू मी। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।